Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in, starting with chapter number 6, Triangle and its Properties. Now, before starting exercise 6.1, मैं आपको थोड़ा सा introduction देना चाहती हूँ कि हम इस chapter में और especially इस exercise में क्या-क्या चीजें पढ़ेंगे. इसमें से बहुत चीजें आपको already पता होंगी and उसमें कुछ चीजें new होंगी. So, let's start. सबसे पहले everyone knows triangle क्या होता है. So, let's suppose I'm taking it as a triangle. अब यहाँ पे ये triangle है. Now let's name it as A, B and C. A, B, C. ठीक है? So this is triangle A, B, C. Now over here, this, this and this are its angles. Like this angle 1 is C, A, B. This is one angle. Then let's suppose this is the second one. So this is angle A, B, C. You can also say it as C, B, A या A, B, C दोनों में वो ही angle रहेगा जो बीच वाला है. ठीक है? ऐसे ही C में हो गया angle A, C, B. Again it can be B, C, A. ठीक है? Angle बीच में है, C means this angle. ठीक है? So ये होते हैं उसके angles. Triangle के अंदर जो angles हैं. अब ये जो है, like we have A, C, A, B, B, C. So, ये सब क्या है? ये सारी इसकी sides है. Triangle की sides है. Similarly, A, B, C. अब ये जो points है, this one and this one, ये सब क्या है? These are vertices. ठीक है? So, ये angles हो गए, ये sides हो गए and ये vertices हो गए. ठीक है? एक को आप बोलते हैं, जैसे अगर मैं B की बात करूं तो this is vertex B. लेकिन अगर मैं तीनों की बात करूं तो हम उसे pronounce करते हैं as vertices. ठीक है? So ये angles, sides and vertices. These are the three main things जो एक triangle के अंदर होती हैं. Now comes the next thing, that is median. अब एक triangle के अंदर median कौन सा होता है? Again, I'll take this triangle. ठीक है? अब इसका median क्या होगा? कोई भी line segment जो vertex से पास होती है. Again, this time I name it as ABC. Vertex मतलब A से पास हो, B से पास हो, C से पास हो, मतलब vertex से पास होगी और जो vertex की opposite side है, उसको midpoint पे cut करेगी. जैसे कि अगर मैं A से देखती हूँ, A से अगर मुझे एक line segment draw करनी है, तो उसकी opposite side कौन सी है? BC. ठीक है? So ये अब यहां से वो लाइन सेगमेंट इसको ऐसे कट करेगी कि ये इसका मिड पॉइंट होगा. मींस ये साइड इक्वल होंगे बिकॉज़ ओ उसका मिड पॉइंट है. सिमिलरली एसी का मिड पॉइंट लेट्स सपोज यहां पे कहीं है. ठीक है? अब इस वर्टेक्स से अगर मैं बनाऊंगी तो उसके सामने वाली साइड कौन सी है? एसी. सो यहां से अब जो ये बीजी गया है, दिस इज द median, क्योंकि वो vertex से start हुई है line segment और कहां तक गई है? AC के midpoint तक. ठीक है? Similarly आप यहां से भी बना सकते हो, C से, C की vertex है, इसकी opposite side AB, means AB का midpoint. So यहां से अगर like this, so means ये अब यहां पे इसका midpoint है AB का और वो C से line segment start हुई है H तक. तो CH median है, BG medium है, AO median है. Means एक triangle के अंदर आपके पास three medians हो सकती है. ठीक है? So ये है median. Median is a line segment जो vertex से पास होती है और जो opposite side है उसके midpoint पे जाके या उस line को दो equal parts में divide कर देती है. Fine. Now next comes altitude. अब altitude क्या होता है? Again, let's take a triangle. Now, altitude is again a line segment जो कि vertex से पास होती है. So, if this is a triangle ABC, तो let's suppose हम B से start करते हैं. अब ये vertex से पास होती है, लेकिन what it does is, let's suppose कि सामने वाली side पे गई. अब ये जरूरी नहीं है कि वो midpoint पे cut करे, but जहाँ पे ये cut करेगी, वहाँ पे ये perpendicular बनाएगी. Perpendicular मतलब 90 डिग्री का एंगल. सिमिलरली अगर ए से जाएंगे, इट गोज लाइक दिस. सो ये यहां पे
perpendicular बना रही है. Similarly C से जाएंगे यहाँ पे ये इसके ऊपर AB के ऊपर perpendicular बनाएगी. तो attitude हो गया जो vertex से pass होगा और उसकी opposite side पे 90 degree का angle बनाएगा, that is perpendicular बनाएगा. ठीक है, so वो हमारा altitude है. एंड जो मिड पॉइंट पे कट करेगा वर्टेक्स से निकलते हुए, दैट इज मीडियन. ठीक है, सो इस एक्सरसाइज में जो हम यूज करेंगे दैट इज मीडियन एंड एल्टीट्यूड. इसके अलावा जैसे हमारे पास एंगल्स के टाइप होते हैं, हमने कर रखा है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल. जैसे हमारे पास एंगल के टाइप्स होते हैं लाइक एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, सिमिलरली ट्रायंगल्स भी होते हैं. जैसे कि अगर मैं ये ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूं, सो दिस इज अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल. व्हाई इट इज एक्यूट, बिकॉज इसके जो एंगल्स होंगे वो सारे एक्यूट एंगल है. ठीक है, सो दिस इज अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम, मतलब हो सकता है ये 60 डिग्री हो, ये भी 60 डिग्री हो और ये भी 60 डिग्री हो. ठीक है, सो ये एंगल क्या बोलेंगे इसको हम, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज इसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम है. सिमिलरली इफ आई ड्रॉ दिस ट्रायंगल, सो नाउ दिस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज इसका जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री है. सो इफ even if one angle is 90 degree, so this will become a right angled triangle. So we'll write it as right angled triangle. ठीक है, similarly acute हो गया, right हो गया, one is left, that is obtuse. तो obtuse angle triangle कैसे दिखता है, it will be something like this. अब इसका ये जो angle है ये 90 degree से बड़ा होगा, मींस ऑब्ट्यूज एंगल होगा. सो दिस विल बी एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है, सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल्स. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1 एंड वी विल यूज दीज टॉपिक्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं. सो लेट्स बिगिन.